हरियाणा परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने रेवाड़ी के सेक्टर एक में स्थित अपने कार्यालय पर परिवार पहचान पत्र से संबंधित शिकायतें सुनी और उसके समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने रेवाड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते हुए कहा कि वे भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता एवं सच्चे सिपाही हैं, इसीलिए टिकट पर पहला हक उन्हीं का बनता है। इस अवसर पर उन्होंने महेंद्रगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। डॉक्टर सतीश खोला ने कहा कि परिवार पहचान पत्र को लेकर अब शिकायतें काफी सत्तर पर कम हो गई हैं। विभागीय कर्मचारियों की कार्यशैली को दुरुस्त करवाने के लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जगह जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं। वे स्वयं प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार की ओर से समाधान शिविर भी लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर सतीश व टीम ने अपने सेक्टर एक कार्यालय पर जन समस्याएं जानी और संबंधित अधिकारियों से समाधान करवाकर परिवारों को सरकार की योजनाओं का तुरंत लाभार्थी भी बनवाया। डॉक्टर सतीश खोला ने कहा कि गांव व वार्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को सभी शिकायतों का पूरा ब्यौरा दर्ज कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी के नाम, फोन नंबर, संबंधित शिकायतें सभी रिकॉर्ड के साथ दर्ज होनी चाहिए और जायज शिकायतों के समाधान की समय सीमा भी कर्मचारियों को लोगों को बतानी चाहिए। डॉक्टर सतीश खोला ने कहा कि परिवार पहचान पत्र मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना है, जो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करेगी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के समय सीमा को भी कम करेगी। इसके लिए ही सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ लेना चाहिए। परिवार पहचान पत्र अब प्रदेश का बेस्ट डॉक्यूमेंट है। सतीश खोला के विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, निराश्रित पेंशन, लाडली पेंशन, मैरिज सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आदि बनवाने की आसान प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार परिवार पहचान पत्र को लेकर लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसीलिए फैमिली आईडी का सरलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी परिवार अपने मुखिया की सहमति से अपनी अलग आईडी बनवा सकता है। इसके अलावा स्वयं सत्यापित आय प्रमाण पत्र देकर सालाना आय भी ठीक करवा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं। पार्टी का पिछले 15 साल से कार्यकर्ता हूं, पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा हूं, प्रदेश की भी कई जिम्मेदारियां रही हैं। 2024 के चुनाव के लिए मैंने पार्टी से टिकट के लिए आग्रह किया है। जमीनी स्तर पर मैंने पिछले 10 सालों से सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभान्वित कराया है। 90,000 से ज़्यादा परिवारों को मेरे इस दफ्तर से सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। रेवाड़ी विधानसभा से मैंने अपनी दावेदारी की है। पार्टी से आग्रह किया है कि मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। मुझे भरोसा है कि पार्टी इस बार मेरे इस आवेदन को स्वीकार करेगी। पिछली बार थोड़ी सी वोट से हमारा उम्मीदवार यहाँ से चुनाव रह गया, कांग्रेस का विधायक है, उनके पिताजी भी कई बार यहाँ से विधायक रहे हैं। दुर्भाग्य है रेवाड़ी का, सरकार हमारी होने के बाद यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा, लेकिन डेवलपमेंट में या विकास के कामों में या ग्रांट में किसी तरह से सरकार ने यहाँ भेदभाव नहीं किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर विधायक भारतीय जनता पार्टी का होता तो यहाँ और थोड़ा सा तालमेल की वजह से कमी के कारण नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस कमी को इस बार की जनता पूरी करेगी और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, नगर परिषद की चेयरमैन तो है ही, दोनों मिलकर के बेहतर काम करेंगे। अभी थोड़ी तालमेल की कमी है, विधायक जी ग्रांट बराबर की मिलती है, लेकिन जब उद्घाटन करने जाते हैं तो फूल मालाएं और पगड़ी पहनते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकर्ताओं की, उनकी गालियां बकते हैं मोदी जी को, मनोहर जी को, नायब जी को। बड़ा दुर्भाग्य, मुझे लगता है कि इस बार जनता समझदार है, ऐसी गलती दोबारा से नहीं कर पाएंगे। जो भी कोई कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टी में काम करता है, सबका मन है MLA बनने का, मंत्री बनने का। जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, चुनाव लड़ने का इच्छुक है, सबको अपने दावेदारी पेश करने का हक है। मैं मानता हूँ कि वो सब मेरे से आगे हैं, मैं उन सब से पीछे हूँ,
मैं अपने आप को जूनियर कार्यकर्ता मान करके पार्टी का काम कर रहा हूँ। सबके अपने अपनी दावेदारी है, मांगना भी चाहिए, सबका हक भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पिछले 10 साल से बूथ स्तर पर मैंने काम किया है, तो जो मेरे कार्यालय से सरकारी योजनाओं के लाभान्वित परिवार हैं उनको याद दिलाने के लिए, उनसे फिर से तालमेल बिठाने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए, क्योंकि वो एक या दो बार मेरे कार्यालय आए और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, लेकिन अब मेरी टीम प्रचार के द्वारा उनके पास जा रही है, एक लिस्ट लेकर के जा रही है, उनको सरकार के कामों का, भारतीय जनता पार्टी कामों का, मेरे कामों का, मेरे दफ्तर के कामों का, मेरी टीम उनको फिर से याद दिला रही है। और उनको राजनीतिक तौर पर, क्योंकि कोई भी मेरे कार्यालय पर आया हमने उसको राजनीतिक तौर पर काम नहीं किया, कोई जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर हमने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं कि उन सबको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें। तो मेरी टीम रोज़ 400-500 परिवारों में जा रही है, 6-7 टीमें बनी हुई हैं, सारी टीम जाकर के लिस्ट लेकर के जा रहे हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।